नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसे गेस्ट हैं जिनका संबंध सीधे भाजपा से है, यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, जिन्होंने राजनीति में एक लंबा वक्त दिया है। और आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं वंदना पोपली मैम, जो प्रवक्ता हैं हरियाणा भाजपा की, और साथ ही सुमित्रा चौहान मैम, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, और डॉक्टर स्वर्णलता, हेड इंटरनेशनल रिलेशन निम्स यूनिवर्सिटी। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का उनका एक लंबा अनुभव राजनीति में रहा है, राजनीति में उनके क्या क्या कार्य रहे हैं, उनके प्रयास कितने सकारात्मक अब तक रहे हैं, और महिला उत्थान के लिए क्या कुछ काम उन्होंने किए हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी गेस्ट का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुमित्रा मैम, किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे दूं। 30 साल इनको राजनीति में हो चुके हैं, 30 साल से ज़्यादा का वक्त राजनीति में बिता चुकी हैं। अब तक कांग्रेस में कई बड़े पदों पर रह चुकी हैं और पिछले तकरीबन 1 साल पूरा होने वाला है जब इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। 7 सितंबर 2019 को बड़े ही भारी दुखी मन से, शायद जहाँ तक मैं कहूँ, कांग्रेस को अलविदा कहा था। तो आज हम जानेंगे कि क्या कुछ लोगों के लिए, क्या कुछ जनता के लिए इनके सराहनीय कार्य रहे हैं, और राजनीति में आने का मकसद क्या है, और आज राजनीति जिस तरह से हो रही है और पुरानी राजनीति के वक्त में कितना कुछ बदलाव आया है। सबसे पहले सुमित्रा चौहान मैम, आपसे जानना चाहेंगे, 30 साल एक बड़ा लंबा वक्त आपने राजनीति में बिता दिया और बड़े ही बड़े पदों पर आप हरियाणा महिला प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहीं और भी बड़े बड़े पदों पर आप आसन्नित रहीं, तो कांग्रेस के लिए आपने इतना काम किया, तो ये जो 30 साल का लंबा वक्त आपने कांग्रेस के साथ बिताया, फिर बीजेपी में आपका आ जाना वो बात की बात है, लेकिन 30 साल तक आप किन किन बड़े पदों पर आसन्नित रहीं, क्या कुछ आपने महिलाओं के लिए काम किए? भानु जी, आपने ठीक कहा कि करीबन 7 सितंबर को मैं 2019 को मैंने भारतीय जनता पार्टी बड़े ही भारी मन से ज्वाइन की थी जी। 30 साल का जहां जिसने जन्म से कांग्रेस को देखा हो, सींचा हो, खड़ा किया हो, बहुत तकलीफ होती है जब एक दल छोड़कर, एक परिवार छोड़कर बाहर आया जाता है, तो उसके बहुत बड़े गंभीर कारण होंगे। बिल्कुल, घर कैसा भी हो उसको छोड़ना त्यागना बहुत कठिन कार्य होता है जी। जी, मैं बेसिकली एक बात के लिए राजनीति में हूँ। राजनीति में मैंने बिल्कुल कहा था कि एक वक्त था मैं चुनाव भी लड़ना चाहती थी, लेकिन 2005 के बाद जब मेरा टिकट कटा तो उसके बाद मैंने तय किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं महिलाओं को नेता बनाऊंगी। महिलाओं के साथ कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। महिला सशक्तिकरण के लिए मैं खास मुद्दों के लिए जानी जाती हूँ और काम करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। आधी आबादी पूरा हक जी, जी, जी। सम्मान, समानता और सुरक्षा, ये है मेरा नारा। मैं साहस हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शौर्य हूँ, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ। अगर मेरी कोई गहराई नापना चाहेगा तो नहीं नाप सकता, ये मेरा सभी महिलाओं के लिए संदेश है। मेरी ऊंचाई नापोगे तो आसमान से ऊंची है। मेरा राजनीति में एक मकसद है। कोई भी जब आदमी किसी विद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई डिग्री लेने के लिए आता है, लेकिन समाज तंत्र की डिग्री लेना सबसे कठिन काम है जी। हमारी शिक्षा में, हमारी व्यवस्था में, और मैं कहूँ हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था मूल आधार है चीज़ों को ठीक करने का। उसमें जब हमारे नेता किसी भी चीज़ का सामंजस्य खत्म हो जाता है, पुरुष और महिला का, घर नहीं चल सकता। मेरा एक जो मैंने आभास किया है उसमें, अगर घर नहीं चल सकता तो राजनीति कैसे चल सकती है, महिला और पुरुषों की संख्या बराबर ना हो जी। अगर इसके पीछे थोड़े से गहनता से चिंता की जाए तो हम घर तक तो स्वीकार करते हैं। हमारे देश में हमारी एक प्रथा है कि बहुत आसानी से घर वाली इसलिए कहा जाता है, उसमें त्याग होता है, उसमें समर्पण होता है, उसमें भावना होती है, उसमें प्यार होता है,
उसी को घर कहा जाता है, बाकी तो दीवारें हैं जिसमें बेटे के रूप में होती है, बहन के रूप में होती है, माँ के रूप में होती है। लेकिन जब हम बाकी व्यवस्थाओं में जाते हैं तो दोहरा चरित्र सामने आता है। राजनीति में, शिक्षा में अगर देखिए महिलाएं ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कभी भी महिला क्राइम कम मिलेगा। वो बैलेंस एक गाड़ी के दो पहिया हैं, जहाँ भी बैलेंस डगमगा जाएगा खराब हो जाएगी। मैं एक एक बात अपने लिए राजनीति नहीं, मैं आधी आबादी की बात करती हूँ। मैं एक तुच्छ, उसमें एक छोटा सा पेंच हूँ जी, एक इकाई हूँ मैं। मैं एक बात कहती हूँ, जन्म किसी ने कहीं ना कहीं लेना होता है, कोई कार्य भी करना होता है। बिल्कुल। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के राजनीतिक होना बहुत आवश्यक है, और अपने अधिकारों की रक्षा करना उससे भी अति आवश्यक है। हमने बहुत अच्छी शिक्षाएं बेटियों को दी हैं। हम हरियाणा की बेटी तो कल्पना चावला आसमान में भी गई। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में हमारी बेटियां हैं, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान की बेटी है, कंपैरेटिवली बहुत सभी क्षेत्रों में आगे है। बिल्कुल, आपने सभी क्षेत्रों में काम किया, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम किया आपने। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की और बीजेपी की, तो आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी और बीजेपी क्यों ज्वाइन करी, इसके पीछे आपका मेन उद्देश्य क्या था? क्या आपकी ऐसी विचारधारा थी जो आपको बीजेपी में खींच लाई और आपने कांग्रेस को अलविदा कह दिया? बिल्कुल भानु जी, आपने सही कहा। राजनीति अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। जो आपने महसूस किया है वो एक विचारधारा को लागू करने का, एक्सप्रेस करने का है जी। मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय काम किया। हमने एक महिला अधिकार यात्रा निकाली थी, बहुत कामयाब रही थी जी, जी। 2018 में, और रात को 2-2 बजे तक महिलाएं हमारा स्वागत करती थी। वो एक हमारा सफल प्रयोग था कि ये सोचते थे महिलाएं जागरूक नहीं है, लेकिन महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा जागरूक हैं जी। लेकिन आने के कारण गंभीर रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी ने भारत को आजाद करवाया। जो कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों में लगभग 10 सालों में नीचे नीचे गिरती आ गई, विचारधारक परिवारवाद की बात प्रदेशों में भी और देश में भी हैवी हो गई, वो लोगों के लिए नहीं रही। खास तौर से मैं दो मुद्दों के कारण भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया जो मेरे दिल के बहुत करीब थे जी। ट्रिपल तलाक का फैसला जब हुआ जी, जी। ये महिला के हित की बात थी और ये बिल्कुल सही थी। वो हमारी मुस्लिम बहनें सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती थी कि कोई बोले और उसको जो सफर करना पड़ता था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया, इसमें किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। ये आधी आबादी के छूने वाला पहला ऐसा निर्णय था, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। दूसरा निर्णय धारा 370 था। मैंने जिस देश में जन्म लिया है उस माटी से प्यार करना, उस राष्ट्र से प्यार करना मेरा पहला कर्तव्य बनता था, और इसमें भी हमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी। तब उस समय की मजबूरियाँ क्या रही होंगी, लेकिन आज की जरूरत थी। कितने लोग सफर करते हैं अपने राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र हित में, जो फैसला लिया राजनीतिक दलों को भी उसके साथ चलना चाहिए। सिर्फ विरोध करना ही राजनीति नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ये विचारधारा थी, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जी। चलिए आपके पास आएंगे, उससे पहले वंदना जी आपसे सवाल है कि हरियाणा से लगातार बेटियां बड़े बड़े क्षेत्रों में जाती रही हैं, खासतौर से खेल स्पोर्ट्स में। तो अभी हाल ही में एक मुद्दा भी सामने आया था फोगाट जी का, जो काफी विवादों में रहा था, उस पर क्या कुछ एक्शन हुआ या उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, और बेटियों के लिए बीजेपी सरकार क्या कुछ ऐसा करने वाली है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ? आप सोनाली फोगाट जी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में बेटियों के लिए क्या हो रहा है। हरियाणा में बेटियों के लिए जो हुआ है पिछले 6 साल में, जब से खट्टर जी आए हैं, मुझे लगता है कि पहले कभी नहीं हुआ। चाहे हम दुर्गा टास्क फोर्स की बात कर लें, महिला थानों की बात कर लें, तो हर तरह से, अगर हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करें कि अगर 12 साल से छोटी बच्चियां हैं, अगर उनका उनके अगेंस्ट क्राइम होता है, रेप किया जाता है, तो कैपिटल पनिशमेंट सबसे पहले हरियाणा में शुरू हुई। बिल्कुल। तो ये सब जो बेटियों को लिए काम किए गए हैं, उसका एक बड़ा कारण भी मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी ने अपना जो महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हरियाणा से शुरू हुआ था। तो हरियाणा में तो बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा स्टेप हरियाणा में उठाए गए, मैं इस चीज को मानती हूँ। जहां तक आपने बात की सोनाली फोगाट की, तो
जो सामने निकल कर आया, सोनाली फोगाट जी की तरफ से आरोप थे कि मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जो कर्मचारी हैं वहां पर अनाज मंडी में, उन्होंने कहा कि मुझे बिना बात पे मारा गया। तो जब तक हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाते, जब तक हम इस चीज को जान नहीं लेते कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तो किसी के अगेंस्ट भी हम अन्याय नहीं कर सकते। आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से सोनाली फोगाट जी के अगेंस्ट जब एक्शन लिया गया, अरेस्ट किया गया उनको, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो महिलाओं के सम्मान में कहीं पीछे हटना चाहती है, ना ही वो चाहती है कि क्योंकि कर्मचारी जो है कहीं से भी किसी चीज को सहन करे। तो इस चीज को ध्यान से देखते हुए मुझे लगता है जल्दबाजी करना कहीं ना कहीं अन्याय ना हो जाए, उसके लिए सरकार इसको अच्छे से देख रही है कि कहीं जल्दबाजी ना हो जाए, जांच कर रहे हैं। और जो भी अगर अपराधी है, लगातार ये बयान आ रहे हैं हमारी सरकार की तरफ से, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बराला जी हैं, लगातार ये बयान आ रहे हैं कि जो भी अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन महिलाओं का सम्मान भी मैं मानती हूँ अपनी जगह है, उसको देखना जरूरी है कि अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जहां तक आप बात करते हैं कि उनको पीट दिया गया, तो सोनाली जी खुद ही बोल रही हैं कि मुझे गुस्सा आ गया किस तरह से की भाषा का प्रयोग किया गया। मैं मानती हूँ कि वो एक ऐसे पद पर हैं कि उनको कंप्लेंट करनी चाहिए थी, पहले पुलिस को बुला सकते थे, कंप्लेंट कर सकते थे, उनको आपा नहीं खोना चाहिए था। लेकिन हरियाणा सरकार की जो कर रही है, मैं मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन है कि वो ये देख रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर स्वर्णलता भी हमारे साथ हैं। मैम, आज इतनी बड़ी हस्तियां हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, निम्स यूनिवर्सिटी में उनका आगमन हुआ है, इसको किस तरह से आप देखती हैं? थैंक्स कहना चाहूंगी वंदना पोपली जी एंड सुमित्रा चौहान जी का। जैसे कि आप, मैं पहले भी यहाँ पर काफी बार आ चुकी हूँ, और जिस तरीके से सुमित्रा जी मेरी एक तरीके से बड़ी बहन ही है, जो ये भी जो राजनीति जो कह रही है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है राजनीति पॉलिटिक्स एंड ऑल इन सब चीज़ों के लिए, बट जो इनका मुझे सिस्टम है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हो रही हूँ। पिछले 4 साल से इन्होंने मुझे हरियाणा में मेडिकल प्रेसिडेंट, जिसके लिए मैं, मतलब जो हरियाणा में किसी भी लेडी को नीड होती है, जिसमें मेरी निम्स यूनिवर्सिटी, निम्स मेडिकल कॉलेज एंड एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि मेरी वो बहुत हेल्प करते हैं। मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं, किसी भी महिला को किसी भी मेडिकल से रिलेटेड नीड होती है, तो मैं बिना डोनेशन, बिना मतलब समथिंग सपोर्ट के बहुत सपोर्ट करते हैं। तो 4 साल से पिछले हमारी सुमित्रा जी के साथ में हमारा। हाँ जी जी बिल्कुल। सुमित्रा जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने भारी मन से कांग्रेस को अलविदा कहा और बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो सवाल अब ये उठता है कि आप बीजेपी में आई, आप पहले भी राजनीति करती थी, बीजेपी में भी राजनीति करती रही हैं, कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस में आपको कई बड़े पद मिले, बीजेपी में अभी तक शायद आपको ऐसा पद नहीं मिला, तो क्या आपको अभी ऐसे पद की कोई लालसा है? और आप जिस उद्देश्य के साथ बीजेपी में आई थी, क्या वो पूरा हो रहा है? जो सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए था, जो मान चाहिए था, सम्मान चाहिए था, वो यहाँ पहले से ज़्यादा मिल रहा है या नहीं? निश्चित तौर पे कांग्रेस आज कुछ परिवारों के, मैं कह सकती हूँ मठाधीश हो चुके, परिवारवाद बहुत हैवी है जी। देश की नहीं सोचता, सिर्फ अपनी सोचता है, ये चाहे प्रांतों में देख लीजिएगा, चाहे पूरे देश में देख लीजिए, निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में सर्वोपरि है। जिसके पिता, जिसके दादा राजनीति में नहीं है, उन लोगों को सर्वाइव करना कांग्रेस में असंभव है। रही बात, मैंने सबसे पहले भी भानु जी कहा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मैं यहाँ भी एक बार डिक्लेयर, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, मैंने एक ही बात बोली थी कि मैं चुनाव लड़ने के मकसद से नहीं आई हूँ, मुझे व्यवस्था परिवर्तन करना है, उसकी आज़ादी चाहिए। मैं अपनी बहनों के लिए लड़ना चाहती हूँ, अड़ना चाहती हूँ, समान अधिकार की रक्षा करना चाहती हूँ। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए भी आपको अधिकार चाहिए होते हैं। अच्छी बात है बीजेपी के लिए, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े पदों का और इतने लंबे वक्त का अनुभव है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी को इसका फायदा उठाना चाहिए? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में मैं जब से आई हूँ, मेरा निरंतर सभी बड़े नेताओं से विचार विमर्श होता रहा है, और मैंने जितने सुझाव दिए वो इम्प्लीमेंट भी किए हैं।
एक संगठन की प्रक्रिया चली हुई है। जिस तरीके से मुझे इन्वॉल्व किया जाता है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ उस बात से, और मेरी बात रखी जाती है। मैं बहुत बातें सुझाव भी देती हूँ पार्टी में, जिस लेवल पे मुझे अपनी राय रखनी चाहिए रखी जाती है, मानी जाती है, और उन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं मोर देन सेटिस्फाई हूँ। जी जी वंदना, यही सवाल आपसे, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी की, तो क्या आपको नहीं लगता कि सुमित्रा जी के अनुभवों का आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे पदों पर, चाहे महिला उत्थान यानी महिलाओं के लिए काम करना, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन विचारधारा वही है कि हमें महिलाओं के लिए काम करना है, उनको कहीं पिछड़ने नहीं देना है, उनको आगे लाना है। तो विचारधारा आज भी वही है, भले ही पार्टी बदल गई हो, और उनके जो उद्देश्य था वो आज भी वही है, तो इसका आपको फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को मानिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। जो काम करता है वो आगे आता है और बहुत अच्छे से आता है। मुझे आज इस लेवल पर फील होता है कि सुमित्रा जी को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है पार्टी में, और एक हमारी प्रक्रिया है, संगठन बनने वाला है, और उस प्रक्रिया में कोरोना की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। जी जी। आप शायद बहुत जल्दी देखेंगे कि आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। चलिए, कहीं ना कहीं ये एक इशारा है जी। और अच्छा इशारा है सुमित्रा जी के लिए। सुमित्रा जी, महिला सशक्तिकरण के लिए अगला स्टेप क्या है आपका? मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए एक बात सोची है, मैंने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है। करीबन 7,500 के आसपास हरियाणा में गाँव हैं, 22 जिले हैं। मैं जिस तरीके से 7 दिनों के लिए निकली थी, एक बार 1 महीने के लिए निकलूंगी जागरूक करने के लिए, क्योंकि जब तक महिला राजनीति में सशक्त नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी मुझे एक ऐसी पार्टी लगती है जो बराबर समझती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में दिया था, तो हरियाणा में ये मेरे दिल के बहुत करीब था कि जिस प्रांत को, चाहे ये जवानों की भूमि हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली रैली की थी बनने से पहले भी, वो शुरुआत हरियाणा से थी। हरियाणा एक प्रांत है, हरियाणा की महिलाएं भी इतनी सशक्त हैं, अगर बाकी प्रांतों की भांति देखा जाए, वो 4 बजे उठकर अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी चले जाएं, भैंस का काम, पशुओं का काम, बच्चों को तैयार करना, फिर खेत का काम, वो किसी भी लेवल पर पीछे नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल जगत में। तो मैं ये मानती हूँ कि उनको आत्मनिर्भर भारत में भी जोड़ा जाए, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी हम एक यात्रा निकालेंगे और महिलाओं को जोड़ेंगे। कहीं न कहीं हरियाणा की महिलाओं से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उनमें संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन सुमित्रा जी, महिलाएं चाहे हरियाणा की हों, चाहे राजस्थान की हों, उत्तर प्रदेश की हों या बिहार की हों, आपको नहीं लगता कि घूंघट प्रथा जो है वो एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर आधी आबादी के बीच में आ रही है, जो उनका पूरा हक है वो कहीं ना कहीं आधा हक इस घूंघट के पीछे दब जाता है, या वो महिला अपने आप को इस घूंघट के पीछे खत्म कर देती है, मार देती है? निश्चित तौर पे राजस्थान का एक कल्चर, ये बहुत बड़ी कुरीति है। और हमारा एक फर्क रहता है कथनी और करनी में। कई बार मैं बहुत चर्चा करती हूँ, जब दहेज की बात आती है तो कहते हैं कि दे दिया, क्यों दे दिया, क्या मेरे डिसीजन लेता है? जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन कई बार जो मुख सहमति होती है, बहुत सारी, चाहे पर्दा प्रथा है, चाहे दहेज प्रथा है, बहुत सारी कुरीतियां हैं, ये कह के कि नहीं, ये तो हमारे संस्कार है। संस्कार तो दिल से संस्कार दीजिए, सम्मान करना बहुत सारी चीजों से किया जा सकता है। घूंघट के अंदर उसका खत्म किया जाता है कैरियर, उसका एक्सपोजर, उस बराबर की दूरदृष्टि महिला में भी हो सकती है, परिवार का आधा हिस्सा भी हो सकती है। एक बहुत मोटी हरियाणा में कहावत पूरे देश के महिलाओं के लिए मैं एक बात कहती हूँ, बहुत बार, कई बार अगर आदमी चला जाता है, कोई ये नहीं कहता इस महिला की दूसरी शादी कर दो कि घर वो चला लेगी, लेकिन जब किसी के घर में पुरुष महिला चली जाती है तो 2 महीने बाद शादी हो जाती है, आज भी ये होता है जी। तो हम मूक सहमति ये है कि महिला ज्यादा संघर्ष, ज्यादा करुणामय, ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सामने आने से उसके टैलेंट से रोका जाता है, और मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है, कहीं न कहीं कथनी और करनी में 50% से ज्यादा लोगों का आज भी हाथ है,
लेकिन डिसबैलेंस है तो दिक्कतें हैं। लेकिन सुमित्रा जी, घूंघट प्रथा या इस तरह की कुरीतियों के पीछे संस्कृति का हवाला दे दिया जाता है, तो जब महिला इसको लेकर सवाल उठाती है तो कहा जाता है जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं कि आप हमारी संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं, आपको इसका कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जब जब ये देश बुरे दौर से गुजरा, हमारी संस्कृति थी उन्होंने बचाया। चाहे आर्थिक मंदी भी आई तो महिलाओं के पास सेविंग थी, ये तो चलते फिरते बैंक हैं, उनके पास सेविंग से चला। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मदद दूसरे कारणों से करती हैं, घर का काम बटाती है। मैक्सिमम घरों में जो काम करती है वर्किंग महिलाएं भी घर का भी सारा काम करती हैं, बाहर का भी करती हैं। क्या हम उनका योगदान भूल जाएं? क्या घूंघट प्रथा ही सुधार सकती है? मैं बिल्कुल, एक आंदोलन की हिंदुस्तान में जरूरत है। आज़ाद भारत में भी आजकल 70% से ज़्यादा महिलाएँ गुलाम हैं। हवाला दे दिया जाता है घर की गरिमाओं का, संस्कृति का, बहुत सारी बातों का। उनको जागरूक करने की ज़रूरत है, हमें समझाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जिस दिन से बच्ची पैदा होती है, मैं उसको एक बात और मानती हूँ, बहुत गंभीरता से अगर देखा जाए, जब हमारे घर में बच्चियाँ पैदा होती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, बाहर के काम बेटे को बताए जाते हैं, घर के काम बेटी को बताए जाते हैं कि भाई के लिए गिलास का पानी दे, भाई के लिए खाना खिला, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसको हमने बाहर का एक्सपोजर दिया ही नहीं, वो भी उतनी ही एफिशिएंट है। कल्पना चावला भी यहीं पैदा हुई है, सारी किसी भी तरीके से हमारे प्रदेश की और देश की बेटियां कमजोर नहीं हैं, लेकिन एक सामाजिक आजादी की आवश्यकता है, बराबर आंकने की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर स्वर्णलता आपसे, आप खुद एक आइडियल हैं उन महिलाओं के लिए जो जॉब भी करती हैं, घर गृहस्थी भी संभालती हैं, और आज आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है, जो महिलाओं के लिए आप एक आइडियल बन सकती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की प्रथाएं, इस तरह की कुरीतियां जो समाज में चल रही हैं, और आज का जो हाईटेक वक्त है, इस वक्त में अब उनको खत्म करने की जरूरत आन पड़ी है? जी बिल्कुल भानु जी, जैसे मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ बाहर, अमेरिका, कनाडा, मतलब बहुत मैं बाहर रही हूँ, मैंने देखा, जैसे मेरे पास में मेरी एक बेटी है जी। बाहर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर इंडिया में एक फैमिली को, बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो फादर का नाम पहले आता है, लेकिन सी अदर कंट्रीज, बाहर क्या होता है कि माँ का नाम पहले आता है, माँ का नाम पूछा जाता है, वहाँ पे बाप से कोई मतलब नहीं होता। तो क्या हमारा कंट्री इस टाइप की इक्वालिटी दे पाएगा? इट्स वेरी इम्पॉसिबल थिंग। कहीं किसी जगह पे हमारा इंडिया का जो कल्चर है, जैसा कि आप जाने, आजकल आदमियों के पास जॉब नहीं है, लेडीज महिला सशक्तिकरण बहुत अच्छी बात है, आदमियों के पास जॉब नहीं है, औरतें आगे निकल रही हैं, वुमेन जो है सारी, मतलब अच्छी एजुकेशन है, सब चीज़ें हैं, तो उसमें कहाँ पे हम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? पॉलिटिकल बेसिस लगा लो वो, या अपना व्यू लगाओ, तो कैसे उसको कर सकते हैं चीज़ें? यानी कि अभी बहुत कुछ करना। मैं सुमित्रा जी से एक ये भी क्वेश्चन करना चाहूँगी इस बारे में कि ठीक है, मैं भी, आप भी वुमेन है, मैं भी हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफरेंस आता है अपने इंडिया में, बाहर कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट नहीं होती है, और अभी वुमेन के हिसाब से देखा जाए, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें सारे राइट्स मिल भी रहे हैं, और बहुत चेंजेस हो गए हैं इंडिया में, बट द थिंग इज़ कि अब कहीं ना कहीं वुमेन जो मैन पावर है वो बहुत ही कम होती जा रही है। एफिशिएंसी के हिसाब से देखा जाए, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारे लोग महिला को प्रायोरिटीज देते हैं, उसका कारण है आदमी कहीं भी किसी भी बहाने से इक्वालिटी, जैसे आपने बात करी इक्वालिटी की, सिंसियरिटी भी आती है उसमें। अगर रिजल्ट्स में देखो, स्कूल में, कॉलेजेस में, मैक्सिमम जगह परसेंटेज ऑफ हायर जो सिंसियरिटी की बात है महिलाओं में मिलेगी। वर्क एफिशिएंसी की भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग महिला की सीट्स अलग तय कर दी जाती हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्कूल एडमिशन हो गया, या कोई भी सेक्टर में लगाओ तो महिला की सीट्स अलग से हैं, वो राइट्स अभी हमें गवर्नमेंट ने देना शुरू किया है। लेकिन क्या, मैं खुद अभी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, जैसे मैडम तो बहुत ही, सुमित्रा जी तो काफ़ी 30 साल से इनका एक्सपीरियंस है, इनकी बात सबसे ऊपर है कि महिला को सारे राइट्स मिलने चाहिए, बट
क्या मतलब वही चीजें हैं कि क्या वो बाहर के कंट्रीज से हम कंपैरिजन करके इस चीज में आगे उठ सकते हैं? जरूर जरूर मैम, कम शब्दों में इसका मैं कम शब्दों में एक बात कहना चाहूंगी। बिल्कुल, डॉक्टर स्वर्णलता खुद एक प्रोफेशनली और एक रोल मॉडल के रूप में है। इन्होंने मेरे साथ भी हरियाणा में बहुत लंबा काम किया है, फ्री मेडिकल एजुकेशन का। महिलाओं को मेडिकल एजुकेशन बहुत कम अवेयर होती हैं उससे। लेकिन जो बात कही कि जब हमें दबाया कुचला जाता है उसके लिए कानून बनाना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं देते तो वो एक मैंडेटरी किया जाता है, इसलिए वो चीज़ें की हुई। और अभी बहुत अधिक आवश्यकता भी है जी। मेरिट के आधार पर कोई नहीं दे रहा, तभी आज उनका रिजर्वेशन की बात करते हैं। थैंक यू। जरूर आप देखेंगे कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और आप तीनों महिलाओं से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब तक हम लोग खुद अवेयर नहीं होंगे, हम पॉलिटिकली, हम सोशली, हम इकोनॉमिकली आगे नहीं आएंगे, तब तक सशक्तिकरण नहीं हो सकता। ये विमेन को खुद ही आना पड़ेगा, महिलाओं को खुद आगे आना ही पड़ेगा। और आज भी बहुत ही जागरूकता की जरूरत है हिंदुस्तान में, बहुत सारे नियमों में फेरबदल करने की आज भी ज़रूरत है। तो आपने सुना सुमित्रा चौहान जी को कि उनके क्या कुछ विचार हैं महिलाओं के प्रति, आपने सुना वंदना पोपली जी को कि किस तरह से महिलाओं को खुद ही आगे आना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।